नमस्कार दोस्तों, रेसिपी देखो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बनाते हैं ऐसा खाना जो टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी। तो आज हम इसी तरह की एक हेल्दी सी रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि थानकुनी के पत्ते से बनी है। थानकुनी का पत्ता बहुत ही गुणकारी होता है, तो आज हम उसे डैम जाएंगे और डैम से थानकुनी पत्ता कलेक्ट करके लाएंगे और उसका आज हम बोड़ा बनाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा डैम, थोड़ी ही दूरी पे हमारा यहाँ डैम है, तो हम वहाँ पे जाएंगे और जाके थानकुनी पत्ता तोड़ के लाएंगे। तो देखिए, हम लोग डैम में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। यही किनारे किनारे डैम में जो है भीगी मिट्टी होती है, उसी में थानकुनी पत्ता मिलता है। तो चलिए हम लोग थानकुनी पत्ता को चुन लेते हैं। यही किनारे है, किनारे किनारे जो खेत का आड़ लोग है, वही सब में थानकुनी पत्ता इस सीजन में उगता है। तो चलते हैं थानकुनी पत्ता खोजने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है थानकुनी पत्ता हमें मिल गया है, तो अब हम थानकुनी पत्ता को यहाँ तोड़ेंगे। आइए पहले हम आपको थानकुनी पत्ता दिखाते हैं। देखिए, ये थानकुनी पत्ता है, इससे जो है पेट का किसी भी तरह का बीमारी दूर हो जाता है। इसे कच्चा भी खाया जाता है, सब्जी भी बनती है, बोड़ा भी बनता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ खेत में डैम का पानी घुस चुका है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी भींगी हुई है, यहाँ थानकुनी पत्ता उगा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा थानकुनी पत्ता है, इधर चारों तरफ फैला हुआ है। तो देखिए इस तरह का है, तो आपको ये मार्केट में भी मिल सकता है, ये बिकता भी है। देख सकते हैं आप, यहाँ भी है थानकुनी पत्ता। तो चलिए हम इस सबको तोड़ लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा थानकुनी पत्ता मिल रहा है यहाँ। तो मैंने यहाँ इतना सारा कलेक्ट कर लिया है। आप देखिएगा, थानकुनी पत्ता जो है तोड़ने के बाद भी ये 4 से 5 दिन तक ताज़ा ही रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा थानकुनी पत्ता है। तो थानकुनी पत्ता जो है ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है, ये बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ इतना सारा थानकुनी पत्ता तोड़ लिया है। तो चलिए अब हम घर चलेंगे वापस और इसका हम बोड़ा बनाएंगे। तो इसका बोड़ा किस तरीके से बनता है, इसके लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। मैं इसे बिल्कुल विलेज स्टाइल में बनाऊंगी, जिससे इसकी हेल्दीनेस भी बरकरार रहेगी और ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वापस हम घर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लोग थानकुनी पत्ता को ले आए हैं, अब हम इसे चुन लेंगे। तो इस तरह से एक एक करके एक एक पत्ता को यहाँ चुन लेना है। एक दो घास है तो इसे चुन लेंगे। तो इस प्रोसेस में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ वीडियो को स्किप कर दूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ थानकुनी पत्ता को धो लिया है और चुन भी लिया है, उसके बाद अच्छी तरह से साफ भी कर लिया है।
तो अब हम इसका बोड़ा बनाने के लिए इसको पीसेंगे। तो मैंने यहाँ सिलवट्टा लिया है, आप चाहे तो मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ हम साग को रख लेंगे। चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या डालेंगे। यहाँ मैंने आधा लहसुन की कलियों को छील के रखा है। यहाँ मैंने आधा टुकड़ा आलू लिया है, उसे मैंने छील लिया है और काट लिया है। आधा टुकड़ा मैंने यहाँ प्याज लिया है, उसे भी मैंने काट लिया है। दो छोटे अदरक के टुकड़े लिए हैं, साथ ही साथ दो हरी मिर्ची ली है। तो इन सबको डाल के थानकुनी पत्ता को पीस लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से पीसा जा रहा है। तो देखिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला, इसे बिन पानी डाले ही मैं पीस रही हूँ। इसे आप अगर ज्यादा पानी देंगे तो बोड़ा नहीं उठेगा और ये घुल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ थानकुनी पत्ता को पीस लिया है। तो अब हमने जो प्याज आलू लहसुन वगैरह जो रखा हुआ है उसे हम पीस लेंगे। तो अब हम इन सबको कूट के पीस लेंगे। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो अब मैं इसे पीस लूंगी। सभी को मिला के और एक बार अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ इसे पीस लिया है। तो चलिए अब हम इसका पोड़ा बनाते हैं। अब हम यहाँ पे एक तवा गरम करेंगे और तवे को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तवा हल्का सा ही गरम करना है, तवे को ज्यादा गरम ना करें। तो अब हम इसमें 2 चम्मच के इतना सरसों का तेल डालेंगे, फिर इसे तवे के चारों ओर घुमा देंगे। अब तेल को थोड़ी देर गर्म होने दें, लगभग आधा मिनट। तो देखिए यहाँ तेल गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम में रखा है। अब हम इसमें जो थानकुनी पत्ता का मिक्सचर बना के रखे हैं उससे छोटे छोटे बोड़ा बना के डालेंगे। इस तरीके से हम छोटा छोटा बोड़ा बनाएंगे। यहाँ इसे 1 मिनट तक फ्राई होने के बाद थोड़ा थोड़ा पलट देना है। तो देखिए मैंने यहाँ बोड़ा को पलट दिया है। पलटने के बाद और 1 मिनट तक इसे पकाना है, फ्राई करके फिर इसे उतार लेना है। तो देखिए यहाँ और 1 मिनट तक हमने भून लिया है। तो इसका ग्रीन भाग रहने देंगे हम और ये बोड़ा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में उठा लेंगे। तो देखिए इसका बोड़ा कितना अच्छा नजर आ रहा है और ये पक चुका है। इसका बोड़ा बनकर रेडी हो गया है और ये कितना सुंदर कलर आया है, साथ ही जितना सुंदर दिख रहा है ये गुणों से भरपूर है। तो आप देख सकते हैं इसका अंदर जो है वो ग्रीन ही है, और ये ग्रीन रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये खाने से बहुत ही अच्छा होता है और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगेगा। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की हेल्दी रेसिपीज अपने चैनल में शेयर करती हूँ। तो इसी तरह और एक हेल्दी रेसिपी हम फिर बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।